सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन को दबाइए और उसे दबाने के बाद बेल आइकन के बटन को दबाइए ताकि आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स आपको रेगुलरली मिलती रहे। जून में एक साथ दो ग्रहण पड़ेंगे, वहीं जुलाई में भी एक ग्रहण पड़ने वाला है, यानी 5 जून से 5 जुलाई के बीच एक साथ तीन ग्रहण पड़ने वाले हैं। जून में एक सूर्य और एक चंद्र ग्रहण होगा। महीने की शुरुआत में यानी 5 जून को चंद्र ग्रहण होगा और 21 जून को सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हालांकि ग्रहण एक खगोलीय घटना है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, तो हम पृथ्वी की स्थिति के आधार पर सूर्य और चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण उस वक्त लगता है जब पूरा चंद्रमा निकला हुआ हो और पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाए। इस तरह सूर्य की किरणें सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती। यह तभी होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा दोनों के बीच आ जाए। 2020 में 4 चंद्र ग्रहण है, एक जनवरी में हो चुका है और बाकी जून, जुलाई और नवंबर में होंगे। 5 जून को होने वाला चंद्र ग्रहण उपछाया होगा। इसका अर्थ है चंद्रमा पृथ्वी की हल्की छाया से होकर गुजरेगा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि यानी 5 जून को है। इस दिन लगने वाला चंद्र ग्रहण 3 घंटे और 18 मिनट का होगा। यह चंद्र ग्रहण 5 जून को रात 11:15 बजे शुरू होगा और 6 जून को सुबह 12:54 मिनट तक अपने अधिकतम ग्रहण पर पहुंचेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण 6 जून सुबह 2:34 मिनट पर खत्म होगा। एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के लोग इस ग्रहण को देख सकते हैं। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होने के कारण लोगों के बीच सामान्य चांद और ग्रहण वाले चांद के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। इस ग्रहण को पूरे भारत में देखा जा सकेगा, लेकिन इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा कहीं से कटेगा नहीं, यानी चंद्रमा के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इस ग्रहण के दौरान चंद्रमा की छवि मलिन जरूर हो जाएगी, यानी चांद कुछ मटमैला सा दिखाई देगा। इसकी वजह यह है कि यह वास्तविक चंद्र ग्रहण नहीं है, यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण है। इससे पहले 10 जनवरी को भी ऐसा ही चंद्र ग्रहण लगा था, वो भी उपछाया चंद्र ग्रहण ही था। अब बात करते हैं सूर्य ग्रहण की। तो सूर्य ग्रहण चांद के धरती और सूर्य के बीच आने के कारण होता है। इस दौरान चांद की छाया धरती पर पड़ती है और जिस जगह पर यह छाया पड़ती है वहां आंशिक रूप से अंधेरा हो जाता है। इस साल 21 जून को सूर्य ग्रहण होगा। साल 2020 का भारत में दिखाई देने वाला एकमात्र सूर्य ग्रहण 21 जून को ही पड़ेगा। 21 तारीख को सुबह 9:15 पर यह ग्रहण शुरू होगा। इस ग्रहण का परम ग्रास 99.4% रहेगा, यानी कुछ स्थानों पर सूर्य पूरी तरह छिप जाएगा। यह ग्रहण करीब 5:48:03 का रहेगा। इस ग्रहण का व्यापक प्रभाव भारत, दक्षिण पूर्वी यूरोप, अफ्रीका, अफगानिस्तान, चीन और पाकिस्तान पर दिखाई देगा। इस ग्रहण के कारण भारत का पड़ोसी देशों से संबंध प्रभावित हो सकता है। जुलाई के पहले हफ्ते में साल का तीसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण भी पूर्ण या आंशिक चंद्र ग्रहण नहीं होगा, यह भी पिछले दोनों चंद्र ग्रहण की तरह उपछाया चंद्र ग्रहण ही होगा। लेकिन यह भारत में दिखाई नहीं देगा क्योंकि चंद्र ग्रहण के समय भारत में सूर्योदय हो चुका होगा, इसलिए इस ग्रहण का भारत पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा।